हरियाणा के एक छोटे से गांव नांगल चौधरी के अंदर देख सकते हैं कितना बड़ा मेगा किचन है, जिसके अंदर बहुत ही भारी मात्रा में खीर की प्रसादी 35 क्विंटल दूध की खीर बनेगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा पे जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया हुआ है कि आज बाबा मुकंदास मंदिर में बहुत ही बड़ी मात्रा में खीर की प्रसादी बनेगी, क्योंकि कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के ऊपर खीर खानी चाहिए और खीर भी रात्रि में बनी हुई, तो बाबा के वहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में खीर बनेगी, पूरी और सब्जी बनेगी। आज वहाँ पे एक मेगा किचन है, हम आपको मेगा किचन दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहें। और आज का शाउट आउट जाता है दीपक शर्मा को। आपको भी चाहिए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, नेक्स्ट व्लॉग में आपको भी शाउट आउट मिलेगा। तो आओ स्लिंग शॉट राइड करेगा मोहित राइडर और अब हम चलते हैं मंदिर में। बाबा मुकंदास जी मंदिर नांगल चौधरी प्रांगण में शरद पूर्णिमा महोत्सव। हम पहुंच गए हैं बाबा मुकंदास मंदिर के अंदर और अब आपको यहां का मेगा किचन दिखाते हैं, जहां पे बन रही है रात की प्रसादी, खीर की प्रसादी। तो आइए हमारे साथ और देखिए। जय श्री राम दोस्तों, हम आ गए हैं शीतलदास जी महाराज जी के बाबा मुकंदास मंदिर में और ये गुरु जी जिनसे आप पहले भी परिचित हैं और इनके गुणों का बखान तो मैं क्या कर सकता हूँ। गुरु जी अपने आप में एक बड़ी ख्याति है और सबसे बड़ी चीज है कि इनमें सादगी बहुत ही ज्यादा है। इतनी बड़ी गद्दी पे बैठ के भी ये मुझ जैसे तुच्छ भक्त को भी इतने प्यार से बात करते हैं, इतना समय देते हैं और दो ज्ञान की बात मिलती है मेरे को इनसे। तो आज गुरु जी के पास आए हैं और गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी ये खीर की परंपरा कब से चली हुई है और इस खीर को खाने से क्या क्या फायदे होते हैं और ये शरद पूर्णिमा पे रात्रि में ही क्यों बनाते हैं, रात्रि में ही क्यों खाते हैं? गुरु जी इसका कोई प्राचीन वो है? प्राचीन समय से ये परंपरा चलती आ रही है। हमारे गुरु जी श्री सुखरामदास जी महाराज के समय से ही शरद पूर्णिमा पर्व पहले छोटे स्तर पर होता था और समय काल के अनुसार लोगों का जैसे जुड़ाव होता गया, धीरे 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 इसने बड़े स्तर पे अब ये उत्सव मनाने लगे। ये स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने सुना कि 30-35 किलो से स्टार्टिंग हुई थी। हाँ, ये शायद 93 के आसपास की बात है। हाँ, बिल्कुल। उस टाइम हम शायद 5th या 6th में पढ़ते थे और अच्छा गुरु जी भी हमारे साथ ही पढ़ते थे। हाँ, हम क्लास फेलो थे गुरु जी और हम। हाँ, तो ये उस समय की बात है और आज ये उससे 100 गुना ज्यादा, जहां 30 किलो 35 किलो से स्टार्ट हुआ था आज 35 क्विंटल के ऊपर पहुंच गई है ये और हर साल ये बढ़ रही है। गुरु जी पिछले साल ये 30 क्विंटल थी, अब की बार 35 क्विंटल हो गई है। और एक सबसे बड़ी बात कि ये भक्त सिर्फ नांगल चौधरी से नहीं है, आस पास के एरिया से, दिल्ली से और राजस्थान से, जयपुर से, भरतपुर से, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं स्पेशल इस खीर को खाने के लिए। कलकत्ता से गुरु जी बता रहे हैं कि कलकत्ता से भी भक्त आते हैं। लोगों की बड़ी आस्था का केंद्र रहा है और ये मंदिर आस्था का केंद्र रहा है कभी से ही। ये तो मैं बचपन से अपने दादाजी पंडित चिरंजीलाल छोटेवाला जी से भी काफी बार सुन चुका था पहले भी और हमारे ताऊ जी भी बताते थे कि बाबा जी जो बाबा मुकंदास जी जिनके नाम पर ये मंदिर है उनके पास महाराजा रणजीत सिंह जी भी उस टाइम यहाँ पे स्पेशल उनसे मिलने पटियाला महाराज यहाँ पे आए थे महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए। इनकी बड़ी बड़ी बहुत सी हम भी जैसे धर्मस्थली चर्चा सुनते हैं कि उनके बड़े भाई ऐसे उन्होंने लोगों का कार्य सिद्ध किया। एक बार महाराज जी जैसे प्राचीन जैसे गांव के अंदर मंदिर है वहाँ पे जिसमें पहले वो रहते थे, उससे पहले माउंट अकला के अंदर एक मंदिर है जहाँ महाराज जी सर्वप्रथम आए थे। उसके बाद में फिर वो गांव नांगल चौधरी के ही बीच में मध्य में एक पुराना मंदिर है वहाँ रहते थे और उसके बाद में उनको थोड़ा सा पूजा पाठ में थोड़ा सा विघ्न पड़ने लगा तो फिर वो गांव के बाहर आकर के यहाँ उन्होंने मंदिर बनाया। यहाँ आने के बाद में गांव के लोगों ने कहा कि भाई आप यहाँ आ गए हो, चारों तरफ जंगल है और यहाँ कैसे रह पाओगे क्योंकि चारों तरफ ये जंगल था। उस टाइम काफी दूर था गाँव से वैसे भी, तो महाराज जी ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि गांव के बीच में आ जाएगा और आज वो गांव के बीच में, बिल्कुल गांव के मध्य में मध्य में। तो यही कहते हैं कि संतों की वाणी, पता नहीं किस समय क्या शब्द निकलते हैं।
तो उनको महाराज जी को पता था, वो त्रिकालदर्शी थे, कि ये जो मैं जंगल में हूँ, ये जंगल एक बार मध्य हो जाएगा। और आज ये सप्तमी जो मंदिर है ये गांव के मध्य में है, चारों तरफ इतना ही गांव फैला हुआ है। और आज गांव तो कह भी नहीं सकते, काफी बड़ा शहर हो गया, काफी बड़ी आबादी है यहाँ पे। बाबा जी के तो बहुत से चमत्कार हैं जिनकी हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं, हमारे गुरु जी से भी, वह उनके बखान बुजुर्गों को बताते थे और उनसे सुनते आए थे कि पटियाला महाराज भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी महाराज जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो महाराज जी को उस टाइम बुखार यानी ज्वर हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई महाराज जी मैं से मिलना चाहते हैं, तो भक्त लोग जैसे आप जैसे बैठे हुए थे उस समय, तो उन्होंने महाराज जी ने उनको कहा कि भाई उनको राजा को कह दो कि भाई अभी मेरे बुखार है, उस समय बाद में उनसे मैं मिलूँगा। तो पटियाला महाराज बोले कि बोलो मैं मिल के ही जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो महाराज जी आए तो एक जैसे खूंटी के जैसे गोदड़ी टकी हुई थी, तो उसमें उन्होंने अपनी जो पीड़ा थी उस समय के लिए उनको कहा कि भाई मेरी पीड़ा थोड़े समय के लिए इस गोदड़ी में चले जाओ, तो कंपन करने लग गई। तो पटियाला महाराज बोले बोले ये क्या हो रहा है, वो बोलो महाराज मेरी थोड़ी सी वो जो पीड़ा है, जो आप जिद करने लगे कि भाई मुझे आपसे मिल के ही जाना है, तो मैं मेरी पीड़ा कुछ समय के लिए इस गोदड़ी को मैंने दे। पटियाला महाराज ने कहा कि बोलो महाराज जी ऐसा भी कुछ होता है कि निर्जीव वस्तु के अंदर कोई पीड़ा कोई दे सकता है? बोलो महाराज आप तो मान लो इस चीज़ पे आप विश्वास करोगे तो ही मानोगे, अन्यथा नहीं मानोगे। तो महाराज जी ने गोदड़ी से कहा कि भाई पीड़ा स्वतः मेरे अंदर फिर वापस आ जाए, तो वो पीड़ा उनके वापस उनके शरीर के अंदर आ गई। तो जो शरीर ठंडा था कुछ क्षण बाद में ही वो शरीर दोबारा जोर मतलब गर्म हो गया, बुखार फिर दोबारा से ही उनका मतलब महसूस होने लग गया। तो महाराज जी ने राजा ने उनका पांव हाथ पकड़ के देखा, तो देखा कि शरीर का तापमान बढ़ा हुआ था, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया और माफ़ी मांगी कि महाराज श्री मुझसे गलती हो गई। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई जो एक कुएं के नीचे जो ज़मीन है वो मैं सारी मंदिर के नीचे देना चाहता हूँ। तो महाराज श्री ने कहा कि राजा अगर मुझे इच्छा या अपेक्षा होती तो मैं मेरी थोड़ी छोड़ के आता, तो उनमें बड़ा त्याग था। तो उन्होंने कहा कि भाई महाराज श्री मुझे तो अपना ये जो कुटिया है इसमें मैं खुश हूँ, मुझे ना आवश्यकता है किसी चीज़ की, मैं तो मेरे प्रभु मैं तो वहाँ पे जहाँ मैं रहता था जहाँ मेरी जन्मभूमि है, तो मैं खुद घर से जागीरदार था, जागीरदार परिवार से थे, तो मुझे नहीं चाहिए। फिर भी पटियाला महाराज अपनी पुण्य 2 एकड़ जमीन मंदिर के नाम दे गए। तो दोस्तों आपको पता चला कि किस प्रकार से महाराज जी ने अपना ज्वर अपना बुखार फीवर पीड़ा जो थी वो एक निर्जीव वस्तु में इसलिए डाली क्योंकि उनको महाराज राजा से मिलना था, और जब राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने फिर से वही फीवर अपने अंदर लिया, और जब राजा ने देखा कि टेम्परेचर बढ़ गया है बुखार बढ़ गया, तब उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि महाराज जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तब महाराज जी ने कहा कि देने के लिए क्या है, संतों को तो कुछ नहीं चाहिए, उनको तो भगवान का नाम चाहिए, और उन्होंने राजा से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी महाराजा ने पटियाला महाराज ने अपने यहाँ पे मंदिर के लिए उन्होंने यहाँ पे जमीन को महाराज जी के मंदिर के नाम किया। तो इस प्रकार की उनकी बहुत सी कथाएं हैं जिनका जिक्र हम आपसे करते रहेंगे, ये एक छोटी सी कथा आपको बताई गई महाराज जी की। तो आपको कैसा लगा, इस मंदिर में एक बार जरूर आए, और खास तौर कर पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा पे या शरद पूर्णिमा पे आके गुरु जी का आशीर्वाद लें। ये वो स्टेज है जहाँ पे रात्रि में भजन होगा, यहाँ पे रात्रि में 12 बजे जब प्रसादी का भोग लगेगा तब तक यहाँ पे भजन होगा, और यहाँ पे सारी पब्लिक भक्तजन यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद ही प्रसादी का वितरण होगा। अभी यहाँ पे सजावट चल रही है, सारे यहाँ पे गुब्बारे और फूलों की मालाएं लगाई जा रही हैं मोनू डेकोरेटर्स मोनू जी के द्वारा, और ये मोनू जी हमारे गुरु जी के बहुत बड़े शिष्य हैं, और ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सजावट हो रही है। आप जो ये सजावट देख रहे हैं इसमें जो नेचुरल फ्लावर्स हैं वो रामेश्वर सैनी की तरफ से, और जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं वो सारी डेकोरेशन मोनू फ्लावर्स की तरफ से हर साल की जाती है। दोस्तों ये वो गद्दी है बाबा जी मुकंदास जी की, जिस गद्दी के ऊपर महाराज जी विराजमान होते थे, और कहते हैं आज भी महाराज जी इस गद्दी पे आते हैं, आज भी रोज उनके लिए यहाँ पे जलपान रखा जाता है और सुबह वो जलपान खाली होता है। ये महाराज जी के खड़ाऊँ हैं, चरण पादुकाएं,
और ये महाराज जी की गद्दी है। ये रोज यहाँ पे चद्दर चेंज की जाती है महाराज जी के लिए, और ये उनका कमरा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ भक्त सब अपने अपने हिसाब से जो जैसी सेवा कर सकता है, तन से, मन से, धन से, क्योंकि कहते हैं सेवा कैसी भी होनी चाहिए, मन से भी हो सकती है, तन से भी, और धन से भी, किसी भी जिसके पास जो होता वैसे सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे है पंडित बंटी भाई, हमारे बड़े भाई, और ताऊ जी रामेश्वर सैनी जी, ये पहले भी हमारे ब्लॉग में इन्होंने पहले भी काफी कुछ बताया था महाराज जी के बारे में, और आज फिर ये यहाँ पे जितना समय अपना दे सकते हैं, जो भी सजावट है वो देते आ रहे हैं, मन से करते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही कृपा होती है किसी किसी पे, तो ये कृपा ताऊ जी पे हो रखी है और आप पे भी होगी। आप भी यहाँ पे आए और धोखा खाएं जरूर। यहाँ पे महाराज जी की चरण पादुकाएं हैं, महाराज जी के जो शिष्य थे उनकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे सजावट काफ़ी अच्छी की हुई है। ये महाराज जी के जो शिष्य थे, ये उनका स्थान है, यहाँ पे उनकी गद्दी बनाई हुई है। और इधर में है गणेश मंदिर, यहाँ पे है गणेश मंदिर रिद्धि सिद्धि सहित, और यहाँ पे हैं उनके शिष्य श्री जुगलदास जी। ये श्री जुगलदास जी की छतरी, यहाँ पे उनकी समाधि स्थल है, और यहाँ पे उनके चरण पादुकाए हैं। गाइस आपने देखा यहाँ पे कितना अच्छा माहौल है, और ये हैं महाराज जी सुखराम दास जी। सुखराम दास जी को तो मैंने भी देखा हुआ है, ये सुखराम दास जी का स्थल है, समाधि स्थल, यहाँ पे उनकी चरण पादुकाए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ है, काफ़ी संख्या में भक्त है, सभी सेवाएँ जिससे जो सेवा बन पा रही है वो सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सब्जी काट रहा है, कोई खीर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब ये सब्जी के लगे हुए हैं, और ये पीछे है शिव मंदिर, ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, ये शिव मंदिर है। यहाँ यहाँ पे सेवा करने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, अपनी मर्जी से यहाँ पे आते हैं ये चेयरमैन साहब। ओहदे की कोई किसी को नहीं होती है, किस ओहदे पे सिर्फ मन से सेवा करना जानते हैं सब। तो यहाँ पे चेयरमैन साहब, पापा जी और ये बच्चे बहुत से, यहाँ पे सब अपनी इच्छा से सेवा कर रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेगा किचन जिसको बोलते हैं, आपने पंजाबियों में देखा होगा, गुरुद्वारे में देखा होगा। आज यहाँ पे हरियाणा के एक छोटे से गांव नांगल चौधरी के अंदर देख सकते हैं कितना बड़ा मेगा किचन है, जिसके अंदर बहुत ही भारी मात्रा में खीर की प्रसादी और सब्जी, जिसमें जो भी सब्जी आती है इस समय पे, सीजन में जो भी सब्जी होती है वो सारी सब्जी यहाँ पे बनाई जा रही है। एक बार में नहीं बनाई जाएगी, कितनी बार बनाई जाएगी यहाँ पे? तीन बार में बनेगी सब्जी ये, यहाँ पे तीन बार में जाके बनेगी। एक कढ़ाई में लगभग तीन से चार क्विंटल, तीन से चार क्विंटल सब्जी एक बार में बन रही है, और ये तीन से चार कढ़ाइयाँ सब्जी बनेंगी, और पूरियाँ चलेंगी रात में, और खीर सुबह से चल रही है, सुबह 8:30 बजे से 35 क्विंटल दूध की खीर बनेगी, जो सुबह 8:30 बजे से चल रही है और रात्रि 12 बजे तक चलेगी। तो आपने इतना बड़ा मेगा किचन नहीं देखा होगा, तो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करते रहना, और नेक्स्ट विजिट में यहाँ पे ज़रूर आना। यहाँ पे खीर बना बना के भंडारा, यहाँ पे खीर को ठंडी किया जा रहा है, और ये भाई जी हमारे छोटे भाई तोताराम जी, ये विशेष भक्त है यहाँ पे, और ये पिछली बार गुरु पूर्णिमा पे आए तब ये यहाँ पे लगे हुए थे, और ये हर साल बाद बाबा जी के यहाँ पे सेवा करने के लिए आते रहते हैं। तो गाइस जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, रात के 8 बज गए, और धीरे धीरे तैयारियां पूरी हो गई हैं, लाइटें जल गई हैं, आप देख सकते हैं कुछ ही समय के अंदर यहां पे भक्तजन आते जाएंगे, भीड़ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे रात गहराती जाएगी, रात के 12 बजेंगे, यहां पे इतनी भारी संख्या में भक्त होंगे कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। अंदर बाहर, अंदर का जो हॉल है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन बाहर भी यहाँ पर भी सभी जगह पर प्रसादी ग्रहण की जाएगी, और भक्तों की काफ़ी संख्या होगी, यहाँ पे हज़ारों की मात्रा में भक्त पहुँचेंगे। तो आप देखें और बने रहें हमारे साथ, लाइक और कमेंट करते रहना। तो गाइस रात के 11 बज गए हैं और भजन चल रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ला 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 ला।
देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या आ रही है, बढ़ती जा रही है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, भक्तगण आते जा रहे हैं। और यहाँ पे रसोई में मेगा किचन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेगा किचन के अंदर खीर की प्रसादी और बाहर सब्जी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे मित्र भाई मनोज जो कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी कढ़ाई के अंदर पूरियाँ बनाई जा रही हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में, और रात्रि के 11 बजे भी एक पे खीर बन रही है और सब्जियाँ बनने के लग रही हैं। आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं अभी भी रात्रि के 11 बजे भी सब्जी बना रही है, क्योंकि हमने बताया था कि 4 से 6 कढ़ाइयाँ बड़ी भर के सब्जी की बनेंगी, तब जाके प्रसादी सभी पे वितरित हो पाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भारी संख्या में भक्तजन, चाहे वो पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं या फिर औरतें हैं, सभी यहाँ पे प्रसादी के लिए और भजन सुनने के लिए बहुत ही भारी संख्या में यहाँ भक्तों की भीड़ है। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, और इतनी ही संख्या बाहर भी है मंदिर के बाहर। यहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई हुई हैं ताकि जिनको ना दिख पा रहा वो बड़ी स्क्रीन्स पे, यहाँ पे 5 से 6 स्क्रीन्स लगाई हुई हैं अंदर भी और बाहर भी, ताकि सभी दूर तक और आसानी से देख सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी भक्तों की भारी संख्या में आ चुके हैं। गाइस रात के 12 बज गए हैं और कुछ ही क्षणों में आरती शुरू होने वाली है, और आरती जैसे ही होती है उसके बाद यहाँ प्रसादी का भोग लगेगा और फिर सभी भक्तों में प्रसाद वितरित होगा। तो अगर हम दिखा सके तो हम आपको आरती दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पटाखे चला के आगाज किया जा रहा है कि शरद पूर्णिमा का प्रसादी का भोग हो रहा है, और आप आइए प्रसादी ग्रहण कीजिए। भी धोखा लिए, बाबा जी के आशीर्वाद ले लिया है, और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे प्रसादी वितरण स्टार्ट हो गया है। तो देख सकते हैं आप गाय, जितने लोग अंदर बैठे हैं उससे कहीं ज़्यादा बाहर पार्किंग में और रोड पे मंदिर के सामने जो परिसर है वहाँ पे भी इतनी ही संख्या में, और बाहर जो चौक है वहाँ पे औरतों का खाना लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भक्तों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो भगत कैसे बैठे हुए हैं प्रसादी के इंतज़ार में, ये इंतज़ार में बैठे हैं। यही होता है एक शिष्टाचार अनुशासन की, अपनी बारी का इंतज़ार करना, जल्दबाजी नहीं करना। और इसमें हमारे पुराने मित्र भाई ऋतुराज भी हैं, बहुत सालों के बाद ही हमें मिले और बड़ी खुशी हुई। तो दोस्तों खीर की प्रसाद भी मिल चुकी है हमें भी, और इस खीर के अंदर दवाई है, दवा है इसके अंदर जो दमे की बीमारी को दूर करती है। तो आप लोग भी आएँ और एक बार इस प्रसादी को अवश्य लें। किसी को दमे की, सांस की अगर बीमारी है तो वो इस खीर की प्रसादी को अवश्य खाए। दोस्तों हमने प्रसादी पा ली है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में भक्तों की भीड़ है, और प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। और जिनको सांस की प्रॉब्लम थी
उनके लिए दवा की खीर बनाई हुई थी, औषधि डाली हुई, तो हमने औषधि वाली खीर भी चखी है यहाँ पे। और उसकी एक खासियत है कि जिसको दमा है या कोई बीमारी पुरानी तो वो दूर होती है उससे, तो हमने वो प्रसाद दिखाई। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।